अस्सलाम वालेकुम टॉल, तो आप देख रहे हैं तालीम का जहान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्लामा डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटा। ये 1896 में पैदा हुए थे और फोत 1958 में फोत हो गए थे। आप 1 जून 1897 को ज़िला दादू के गांव टिल्टी में पैदा हुए। आपके वालिद मोहम्मद दाऊद पोटा एक किसान और बूढ़े थे, ठीक है। इन्होंने सिंध मदरसातुल इस्लाम में मैट्रिक का इम्तिहान पहली पोजीशन में पास किया। मैट्रिक करने के बाद आप डीजी साइंस कॉलेज कराची गए, जहां इन्होंने सारे इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की। बरतानवी हुकूमत ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आला तालीम के लिए इनका स्कॉलरशिप मंजूर की और वो कब की, वो की थी 1927 को, ये याद रखना है आपको। मैं 1927 में आपने पीएचडी की आला डिग्री हासिल की। 9 बरस इस्लामिया कॉलेज मुंबई में अरबी के प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। इन्हें सिंध मदरसातुल इस्लाम का प्रिंसिपल मुकरर किया गया। आपको सोशल इल्मा के का किताब मिला। किसका किताब मिला? शम्सुल इल्मा का किताब मिला। आप पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर भी रहे। इनकी वसीयत के मुताबिक जसद खाकी को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के पहलू में दफन किया गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट।